तो अपने पहले वर्ड पे चलते हैं, सब्सटेंशियल मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, उसे कहते हैं सब्सटेंशियल। तो एंटोनिम्स हैं इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल, मेगर, इजी वर्ड है, ठीक है, एंटोनिम्स भी इजी हैं। पैलेट्री देख लेना एक बार, माइनर, अनसब्सटेंशियल, ठीक है, या इनसब्सटेंशियल, स्लाइट, अनइम्पॉर्टेंट, इमटेरियल और इनकॉन्सिक्वेंशियल। सटल का मतलब होता है जो जिसमें थिन लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ तो मजाक और झूठ, ठीक है, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कुछ बोला कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, तो आपने बोला अरे तूने कहा था ऐसा ऐसा हो गया बट ऐसा तो था नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था या कर रही थी, तो क्या ये झूठ है ना? तो मजाक और झूठ में क्या सटल डिफरेंस होता है? तो वही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो, ऑब्वियस है जो, ठीक है, ब्लेटेंट, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, एविडेंट, नोटिसेबल, कॉन्स्पिकुअस, अनसटल, अनएम्बिगुअस, डायरेक्ट, ठीक है। जैसे हम जब बोलते हैं ना थिन लाइन बिटवीन दिस एंड दैट, तो वो होता है सटल। नेक्स्ट वर्ड है सब अर्बन। तो सब मतलब सबॉर्डिनेट, ठीक है, हमने सब सिनोनिम्स में भी देखा था, जैसे आर्मी में एक रैंक होती है सूबेदार, ठीक है, तो सब सबॉर्डिनेट होता है जो जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है, तो कमीशन ऑफिसर कौन होते थे? अंग्रेज, तो अंग्रेज के नीचे, तो तब ये वर्ड आया सूबेदार। तो सब अर्बन मतलब जो शहर है, ठीक है, अर्बन, विलेज, ठीक है, तो ये बीच का सब अर्बन, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो, अर्बन, सिटी, मेट्रोपॉलिटन, डाउन टाउन, सेंट्रल, रूरल, कंट्री साइड, रस्टिक, रिमोट, आइसोलेटेड, ठीक है। तो इसमें भी कैटेगरी होती है कि मेट्रोपॉलिटन किसे कहेंगे, सिटी किसे कहेंगे। सिटी में भी होती है टायर वन, टायर टू, टायर थ्री, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के बेस पे होती है। आगे चलते, नेक्स्ट वर्ड है अपना सुकुलेंट, मतलब होता है रसीला, जूसी, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो, ड्राई, टफ, च्यूई, ठीक है, टेस्टलेस, ब्लैंड, इंसिपिड, अनएपेटाइजिंग, अनपैलेटेबल और अनसेवरी, यह है अनपैलेटेबल। सकम का मतलब होता है हार मान लेना, प्रेशर में कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग, ठीक है, तो जो बाउंस बैक करता है वही अचीव कर पाता है जो उसको करना है, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के रेजिस्ट, इंडियोर, इंडियोर क्या, पेन, फेलियर, ऐसा, विदस्टैंड, ओवरकम, कॉन्कर, प्रिवेल, ट्रम्प और मास्टर। नेक्स्ट वर्ड है अपना सलन, उदास। तो एंटोनिम सेंस के चेयरफुल, हैप्पी, प्रेजेंट, जीनियल, एमिएबल, एफेबल, जोवियल, बॉयंट, लाइवली, ठीक है, एनिमेटेड। सम्पटुअस का मतलब होता है भव्य, जो शानदार है जो, ठीक है। तो एंटोनिम्स है प्लेन, सिंपल, मॉडेस्ट, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, हम्बल, अनप्रटेंशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना सुपर सीलियस, अहंकारी, ठीक है। तो एंटोनिम्स है हम्बल, मॉडेस्ट, अनअज्यूमिंग, मीक, डिफरेंशियल, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, अनप्रटेंशियस, डाउन टू अर्थ, अप्रोचेबल, फ्रेंडली, इगैलिटेरियन और डेमोक्रेटिक। सप्ले मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मुलायम, जिसको वो बैंड भी हो सकता है ऐसा। तो एंटोनिम्स हैं स्टिफ, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, अनयील्डिंग, इमोबाइल, हार्ड, टफ, अनरिस्पॉन्सिव, अनअडेप्टेबल और अनप्लायंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना सफिट, मतलब जो जरूरत से ज़्यादा है, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं स्कार्सिटी, लैक, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, डर्थ, इनसफिशेंसी, पॉसिटी, वॉन्ट, नीड, मॉडरेशन, बैलेंस। सरप्टीशियस तो पहले भी देख रखा हमने वर्ड, स्टेल्थ, कोवर्ट, गुप्त, सीक्रेटिव, ठीक है, चुपचाप ऐसा। तो एंटोनिम्स हैं ओपन,
ओवर्ट पब्लिक ट्रांसपेरेंट कैंडाइड या कैंडिड ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अबव बोर्ड अनडिस्गाइज्ड अनकंसील्ड। तो आई एम श्योर आपको पता होगा ये अनडिस्गाइज्ड मतलब जो छुपा हुआ नहीं है, ठीक है, और ये इसका भी मतलब सेम ही है। ससेप्टिबल मतलब प्रभावशाली, ठीक है, तो जिसको हम जैसे बोलते हैं ना लाइकली और लाइबल टू इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग, वो व्यक्ति ससेप्टिबल टू डेंजर है, ठीक है, मतलब उसको हार्म हो सकता है उस व्यक्ति को ऐसा। तो एंटोनिम्स है रेजिस्टेंट इम्यून इनवल्नरेबल, ठीक है, इम्परवियस अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है ये स्ट्रॉन्ग है, दिस इज वीक, ठीक है, इनससेप्टिबल अनससेप्टिबल अनरिस्पॉन्सिव अन इम्प्रेशनेबल। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्वाथी, दैट मीन्स काला डार्क स्किन्ड स्वाथी, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या होगा, फेयर स्किन्ड और लाइट स्किन्ड, पेल वाइट, मतलब जो कि वाइट है या काला नहीं है सर। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्वेल्ट्री, तो स्वेटिंग से कर लो से रिलेट, ये ह्यूमिड, ठीक है, उमसदार। तो एंटोनिम्स हैं कूल चिली कोल्ड फ्रिजिड फ्रेंजी आइसी। तो एस और उनके एंटोनिम्स खत्म हो गए, टी पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रैक्टेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है इजी टू डील विद, सुविधाजनक है जो, ठीक है, कंप्लायंट है जो, जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो उस व्यक्ति को, ठीक है। तो एंटोनिम्स है स्टबन ऑब्स्टिनेट अनमैनेजेबल अनरूली डिफाइंट रेबेलियस रेबेलियस रिकैल्सिट्रेंट इनट्रैक्टेबल हेडस्ट्रॉन्ग अनयील्डिंग इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रिपिडेशन, घबराहट, ठीक है, फियर एंग्जाइटी ऐसा, ट्रिपिडेशन। नेक्स्ट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड नहीं एंटोनिम्स हैं इसके, कामनेस कंपोजर, ठीक है, अश्योरेंस कॉन्फिडेंस बोल्डनेस फियरलेस करेज ब्रेवरी ऑडासिटी मतलब साहस, ठीक है, ऑडासिटी मतलब साहस, इंट्रेपिडिटी और डॉन्टलेसनेस। टर्स का मतलब होता है कम शब्दों में बयां करना, ठीक है, संक्षिप्त समरी, ठीक है, ब्रीफ होता है ऐसा। तो एंटोनिम्स हैं वर्बोस वर्डी लॉन्ग विंडेड लोक्वाशियस गैरुलस प्रोलिफिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रैम्बलिंग एक्सपेंसिव डिस्कर्सिव वॉल्यूबल और इफूसिव। नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रम्पेंट, तो ये तो सिंपल वर्ड है, ठीक है, तो विजयी विक्ट्री, जब हम ट्रम्प बजाते थे तो जैसे राजा महाराजा आते थे तो क्या ट्रम्प बजाते थे, तो क्या है विक्ट्री का संगीत होता था, और ये ज़्यादातर तभी बजता था जब राजा महाराजा युद्ध जीत के आ जाएं तभी ये बजाते थे। तो एंटोनिम्स देख लो, डिफीट वैंक्विश अनसक्सेसफुल लूजिंग बीट थॉटेड फ्रस्ट्रेटेड ह्यूमिलेटेड क्रेस्ट फॉलन डिजेक्टेड डिसहार्टन, ठीक है। टेनुअस का मतलब होता है नाजुक का जो फ्रजाइल, ठीक है, तो दिस इज वेरी वीक। एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल सॉलिड स्टडी रोबस्ट ड्यूरेबल फॉर्म सिक्योर स्टेबल और रिलायबल। टॉपिड, टॉपिड का मतलब होता है सुस्त लेजी फिजिकल फिजिकली इनएक्टिव, तो लाइक अ वायरस, जब तक ब्लड में नहीं होता वो इनएक्टिव रहता है। तो एंटोनिम्स हैं एक्टिव एनर्जेटिक लाइवली डायनेमिक विगरस एनिमेटेड बस्टलिंग ब्रिस्क स्पिरिटेड अलर्ट एजाइल, ठीक है। तो ये थे आज के 20 वर्ड, सब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।